सब कुछ हमें सीखे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदा ने एक और अनुग्रह दिया, मौका दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के नज़दीक में आने के लिए, उसका धन्यवाद करते हैं। और आज का जो कलाम है, जो कल आपसे बातचीत की गई कि स्तुति के बारे में, आज हम सीखेंगे कि स्तुति कैसे करनी चाहिए। निकालेंगे यूहन्ना 4:23 से, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से क्या करते हैं, करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है आराधना की, स्तुति की, उसकी महिमा की। जब हम खुदावन की महिमा करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, तो जब हम आंखों को बंद करते हैं और उस अपने मन को, अपनी आत्मा को उसकी ओर लगाते हैं, तो एक अद्भुत एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत अद्भुत। किसी को दर्शन मिल रहे होते हैं, किसी के साथ कुछ एहसास हो रहा होता है, किसी के आंसू निकल रहे होते हैं झरझर। ये सब बातें कब होती हैं, जब एक व्यक्ति आत्मा से भरकर जो है आराधना करता है। और लिखा है कि पिता को ऐसे ही आराधक, वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से भरकर क्या करता है, आराधनाओं को करता है। लेकिन आज अपने आसपास के माहौलों में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, अगर मैं पहले की बात करूं, क्योंकि आराधना किसको कहते हैं, आराधना सही मायने में क्या है, प्रभु की महिमा सही मायने में क्या है, मैं फिर से यही बात कहूँगी कि मुझे प्रभु में आकर ही पता चला, जीवन जीने का तरीका ही मुझे आकर पता चला। पहले तो पता बस इतना चलता था कि जब हम जाते थे, वो एक वो बजा रही हैं, गाने वाली दो गा रही हैं, पीछे वाले हम इधर देख रहे होते थे, उधर देख रहे होते थे, कोई आ गया पास में बैठ, इधर 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 बैठ, अरे वो तेरे पास नहीं आई, वो तेरा ये नहीं हुआ, अरे तेरे वो नहीं हुआ। बस दो लेडीज आगे गा रही हैं, उन वो गा रही हैं बस, बाकी पीछे वाली तो अपनी किस्से कहानियों में लगी रहती थी। हम एक दूसरे को देखते रहते थे, अरे वो क्यों नहीं आई, अभी नहीं आई, अच्छा चल उसको बुला के ला, अभी कौन आ रहा है, उनसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसका कैसा मेकअप किया हुआ है, उसने कैसे ऐसे, मतलब दुनिया जान की बातें हम वहाँ बैठ कर कर रहे होते थे। कहने को हम कहाँ गए हैं, हम प्रभु की भक्ति करने के लिए हैं, लेकिन भक्ति के नाम पर क्या होता था, मैं तो अपनी ही बात कर रही हूँ कि हम लोग ऐसे ही देखते रहते थे, करते थे, क्योंकि मतलब ही नहीं पता था कि आराधना किसको बोलते हैं, भक्ति किसको बोलते हैं। आराधना मतलब जो आत्मा से आप गाएं, जब आत्मा से शब्दों को, जब आप मेरे जीवन में जो पहली आराधना खुदा ने मेरे जीवन में दी, जिस आराधना ने मेरे जीवन को बदला, क्योंकि उस समय बहुत टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, जब परमेश्वर ने मुझे चुना। जैसे मैंने भी आपको पहले गवाही में बताया कि मैं मरने के लिए गोलियां अपने हाथ में रख के बैठी थी, लेकिन मेरी बुआ के थ्रू मेरे प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने एक आराधना मुझे बताई कि उसके चंद शब्द मैं आपके सामने उस आराधना के मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय काम करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय काम करेगा, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनके संभाल करेगा, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनके संभाल करेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबरा ना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय काम करेगा, माता पिता यदि छोड़
ना घबरा ना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। सच में प्रियो, जब इस आराधना को सुनी और गुनगुनाई और इस आराधना के बोलों पर विश्वास किया, सच में वो अपने भक्तों को कभी भूलता नहीं और अपने बोझों को जब परमेश्वर के हाथों में सौंपा, क्योंकि वो लिखा है कि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ही ढूंढता है। हमारी आराधनाओं में सच्चाइयाँ होनी चाहिए, वो झूठी बातों को नहीं सुनता, ना वो झूठी बातों को पसंद करता, उसको झूठ से घृणा है। हम परमेश्वर की अगर महिमा कर रहे हैं तो आत्मा से होनी चाहिए, सच्चाई के साथ होनी चाहिए। जो बातें हमारे जीवनों में हो रही होती हैं, जो उनको गाते हैं, तो सच में खुदा का रूह हमें छूता है और हमारे जीवन को बदल देता है। जब प्रभु में नहीं थी तो एक आराधना झूठी ही गाती थी। आज शाम सपने में आया, कभी नहीं आया था मेरे सपने में, लेकिन गाती थी झूठी आराधना। गाकर तो कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा ने सिखाया कि सच्चाई क्या है। वो कहता है आत्मा और सच्चाई से। आत्मा से आराधना करने का मतलब क्या कि जब आप आराधना करें, आपकी आंखें बंद हो, आपका रूह उस पाक रूह को, उस वो जो परमेश्वर है उसको निहारने वाला बने। आप अपने आप को ऐसा उसमें डुबो दें, अपनी बातों को जो आराधना गाए तो आपकी बातें उसमें शामिल हो, आपकी आपकी दिल का दर्द उसके अंदर शामिल हो, या मैं कहूँ आपकी खुशी में तो आपकी खुशी उसमें शामिल हो, तो वो हमारा रूह और खुदा का रूह एक हो जाता है, वो एक हो जाता है। लेकिन बहुत सी जगह पर मैं देखी हूँ, मैं कलीसियाओं में भी देखी हूँ कि आराधना हो रही है। मैं खुसरोपुर गई थी, आराधना हो रही है, वो पास्टर की आंखें खुली है, वो इधर उधर फोन पे लगे हुए हैं। अरे कैसी आराधना ये है जहाँ पर आपके खुद की आंखें बंद नहीं है, खुदा ढूंढता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को। आज मैं देखती हूँ बड़े बड़े पास्टर लोग बैठे होते हैं, आराधनाएं चल रही होती हैं, लेकिन उनकी आँख खुली रहती है, वो अपने फोनों पर लगे रहते हैं, वो इधर उधर देख रहे होते हैं, वो ऐसी आराधना को नहीं ढूंढ रहा, वो ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढ रहा, वो ऐसे आराधनाओं से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी आराधना करना तो सिर्फ अपने दिल और दिमागों को, अपनी आत्मा को धोखा देने वाली बात है कि हम सिर्फ महिमा कर रहे हैं, बस कर ही रहे हैं, लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। लेकिन सही मायने में आराधना के द्वारा बड़े से बड़े बंधन टूट जाते हैं। आराधना में बंधन टूटते, आराधना में चंगाइयाँ होती हैं। क्यों? जब आत्मा से और सच्चाई से आराधनाएं की जाती हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब आराधनाएं निकलती हैं, जब पाखरू से कहते हैं पाखरू आप मुझ में होकर इन आराधनाओं को गाएं। आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी बार ऐसा होता है कि आराधनाओं की मैं बुक को खोल कर बैठी होती हूँ गाने के लिए कि आज ये गाऊंगी आज वो गाऊंगी, लेकिन जब आंख बंद करती हूँ तो खुदा का रूह कुछ और ही गवा रहा होता है। वो अगर बच्चे कहते हैं जो लीडर्स मेरे साथ खड़े रहते हैं कि दीदी आप तो ये बोल रहे थे, मैंने कहा जो पाखरू उस समय चाहता है वो वही होता है, और फिर जब वो आराधना गाई जाती है वो सामने वालों की जिंदगियों को बदल देती है, वो उनके जीवनों को बदलने का कारण हो जाती है। क्योंकि जब आत्मा से बैठेंगे, आपकी आंखें बंद होंगी, आप परमेश्वर की ओर निहारेंगे, तो क्या होगा, वो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आराधनाएं गा रहे लेकिन आंखें खोली हैं, जब आप एक मन ही नहीं हो रहे हैं उसके साथ, एक आत्मा ही नहीं हो रहे हैं, तो कैसे आपके जीवनों में काम होगा। कल जो वचन बताया कि योशापात ने स्तुति करी, वहाँ गीत गाने लगे, आराधना गाने लगे, जब वो आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने अमोनियों और मोआबियों के उनके जगहों पर क्या कर दिए थे, उनको घात लगाने वाले बिठा दिए थे और उनको मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो रूह और सच्चाई से क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। जब प्रियो आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, आराधना के शब्दों को आप समझेंगे, उसको बोलेंगे, जब हम आराधना गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, तो उस चीज को फील करें कि सच में हमारा ऊंचा गढ़ है वो। और आराधना सिर्फ शब्दों से ना गाए कि सिर्फ आपने गा दी,
क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्दों का वो मान रखता है और हर एक निकम्मी बातों का भी वो क्या करता है, हमारे मुख से निकले हुए हर एक बातों का वो न्याय चुकाएगा। हम अगर सिर्फ शब्दों से गा रहे हैं लेकिन हम उसको फील नहीं कर रहे तो ये चीजें क्या है, ये गलत है। वहां पर प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, वहां पर पाखरू नहीं छूता, क्योंकि पाखरू तब छूता है जब आप आंख बंद करके परमेश्वर की ओर निहारते हैं। पाखरू से कहते प्रभु तू मुझे छू, पाखरू तू मुझे ले चल यीशु के चरणों में। वो एक आराधना गाते ना, अपवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा को बुलाते हैं वो आता है, वो आता है। अब बहुत से लोग कहेंगे पवित्र आत्मा तो जब हम प्रभु में आ जाते तो हमारे अंदर ही है। हाँ वो हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको बुलाया जाता है। क्यों? कि वो हमें, वो कहते हैं कि जब संगति में हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को नहीं जान रहे होते हैं, उनके लिए उन चीज़ों को करने के लिए कहा जाता है कि पाखरू आप आए और हर एक जन को क्या करें, छू लें, हर एक जन को छू लें। जब शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं तो शाऊल के ऊपर परमेश्वर, जब उसके अंदर जलन की भावना आ गई थी, वो दाऊद को मारने के लिए भागा, तो वहां पर दुष्टात्मा जो थी परमेश्वर की ओर से बलपूर्वक शाऊल के ऊपर उतरती थी। लेकिन वो जब शमूएल की संगति में वहां पर गया दाऊद को ढूंढने के लिए, उस संगति में जैसे ही वो पहुंचा वो भी भविष्यवाणियां करने लगा था, क्योंकि वहां जो पवित्र आत्मा काम कर रहा था वो शाऊल को छुआ, और जैसे शाऊल को छुआ वो भी उसके अंदर क्या हो गया, वो भी प्रोफेसी करने लगी, प्रोफेसी करने लगा था। क्योंकि जब पाखरू हमें छूता है तो अजीब सी फीलिंग, वो हमारे जीवनों को बदल देता है। उसका सही मायने में छूना हमारे जीवन में आने का मतलब कि हमारे जीवनों को बदल देता है। वो सिर्फ एक करंट का झटका या ऐसा नहीं है, हम उसको बोलते हैं कि पाखरू आप आए हमारे सोचों में, पाखरू आप आए हमारे जीवन में, आप उतर आए हमारे एक एक अंग में, ताकि ये अंग, ये जीवन, ये सब कुछ आपका हो जाए। जब आप इस मायने से उसे बोलेंगे कि उतर आ पाखरू हमारे एक एक अंग पर, हमारे सोचों पर, हमारे विचारों पर, आप उतर आए पाखरू, आप कब्जा लें हमारे ऊपर, तो पाखरू जीवन बदल देता है, वो सोचों को बदल देता है, वो हर एक चीज को बदल देता है। आराधनाओं से बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। कौन सी आराधना से? सच्ची आराधना से, आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधनाओं से, उन आराधनाओं से नहीं जो आराधना है तो गाई जा रही है, एक का ध्यान उधर है, एक का ध्यान उधर है, एक का मन उधर भटक रहा है, एक फोन में टिक टिक चैट पे लगा पड़ा है। ऐसी आराधनाओं से सिर्फ आप संतुष्टियां दे रहे हैं, लोगों को सुनने में अच्छे लग रहे हैं, बस आप शब्दों के बोलों को गा रहे हैं। लेकिन जब आत्मा से आप गाएंगे तो मैं सच बताऊं, मैं जब प्रभु ने मुझे चुना और अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया, महज मुझे 3 या 4 महीने, जनवरी में मैंने प्रभु के भवन में पहली बार गई थी और 16 अप्रैल से खुदा ने सेवकाई में मुझे इस्तेमाल कर लिया था। 16 अप्रैल जब मैंने बपतिस्मा लिया 2016 में, उसके बाद से उसी दिन से, जिस दिन बपतिस्मा लिया उसी दिन परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा एक स्त्री के बारे में मुझे बताया कि वो तेरे पास आएगी और उसके लिए प्रार्थना करनी है। उस दिन से प्रभु ने अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर रखा, और वचन की सेवा भी तब से ही शुरू है। उसके 15-20 दिन बाद से वचन की सेवा भी शुरू थी। मैं तो इतना कलीसिया गई भी नहीं क्योंकि संडे जाती थी, आप लगा लें जनवरी से अप्रैल तक कितने हफ्ते गई होंगी, मैं इतनी आराधनाओं को जानती भी नहीं थी। बस एक जुनून था, प्रभु से प्रेम था। जब पहली बार खुदा के भवन में गई थी प्रभु ने उसी समय उसी घड़ी मुझे छू लिया था। बस एक अजीब सा जुनून सा आ गया कि बस मुझे आराधना गानी है, चाहे आती है या नहीं आती है। एक सॉन्ग बुक मैं अपने पास्टर से लेकर आई थी और सॉन्ग बुक में बस आराधना को निकालती थी और पाखरू से कहती थी आप मुझ में होकर गाएं। वो सुर और ताल जो और सब कलीसियाओं के हैं, जो हमारे पास्टर लोग गाते हैं, और हमारे जो आराधना के सुर ताल है वो अलग है। तो लोग बोलते हैं आपके सुर ताल अलग है, मैंने कहा ताल सुर ताल अलग है, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी नहीं, मेरे को तो जो पवित्र आत्मा ने सुर ताल दिया उस सुर ताल में गा रही हूँ और खुदा काम कर रहा है। ये सुर और ताल किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है मेरे पास, ये सुर और ताल खुदा का दिया हुआ है, ये आवाज़ खुदा की दी हुई है, वो जैसा चाहता है वैसे वो इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जब हम आराधना को गाते हैं बहुतों के शब्द और उनके सुर ताल अलग रहते हैं, हमारे अलग ही वे में चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बोला पाखरू आप मुझ में होकर गाए, सारा सारा दिन मैं बस
डफली लेनी और आराधनाएं गाते रहना गाते रहना। बहुत से पड़ोसी तो मुझे कहने लगे थे पता नहीं डफलियाँ बजा बजा के क्या करती रहती है ये, क्योंकि जब खुद साथ से प्रेम हो जाता है तो उसकी आराधना अपने आप ही आत्मा खुद ब खुद आराधना गाती चली जाती है, खुद ब शब्द निकलते जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो पाखरू क्या करता है वो अंदर से, वो कहते हैं ना भजन संहिता में भी लिखे कि नए नए आराधना भजन गाओ, तुम वीणाएं बजाओ, ये सब कुछ करो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर भी ऐसे ही आराधकों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थनाओं को करे, आराधनाओं को करे। मनगढ़ंत ढकोसलेबाजियां उसको पसंद नहीं आती, झूठ से तो उसको वैसे ही घृणा है। तो प्रियो जब आप आराधना करें, क्योंकि यहां पर लिखा है परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो ढूंढता है ऐसे आराधकों को जो पाक रूप से सच्चाई से भरकर क्या करे, आराधनाओं को करे। वो ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढता जो आंख खोल के बस गा रहे इधर देख रहे कौन आ रहा है, उधर देख रहे कौन आ रहा है। वो ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढता, वो ढूंढता ऐसे आराधकों की जब तुम आराधना गाओ तो तुम्हारा मन तुम्हारा ध्यान मेरी ओर लगा रहे ताकि बड़े से बड़े काम हो सके। और उसके पास लिखा है परमेश्वर आत्मा है और वो अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करे, आराधना करे। परमेश्वर एक आत्मा इसी में चाहता है कि उसकी आराधना करने वाला हर एक शख्स आत्मा और सच्चाई से। प्रियो आज जब जो आराधनाएं गाते हैं उनके बोलों को सुने पहले, समझे पहले क्या सच्चाई है, क्या सच गाया जा रहा है। अगर नहीं गाया जा रहा, उन शब्दों में कोई सच्चाई नहीं है तो उस आराधना से परमेश्वर खुश नहीं होता, वो ऐसी आराधना से खुश नहीं होता, वो सच्चाई से खुश होता है। आपके जीवन में जो काम हो रहा है या जो काम आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, उस तरीके से आप आराधनाओं को गाएं और क्लेम करें। आराधनाओं का मतलब वही है, आराधना का मतलब कि आप अपने पिता से पुकार लगा रहे हैं। जैसे कल भी मैंने बताया कि जब पैसों की कोई प्रॉब्लम होती है या शैतान मेरे माइंड में कुछ बातों को लाता है तब उस आराधना को गाती हूँ कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। तो सच में जब इस आराधना को गाते हैं तो कोई घटी नहीं होती, परमेश्वर वो मन वो आत्मा का चल जाती है, आराधना की ओर चल जाती है, इन बातों पर विश्वास किया जाता है कि मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर यहोवा है। और जब वो मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी चीज़ की घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस संसार की हर एक वस्तु ऊपर से परमेश्वर की ओर से आती है, वो हर एक कमी घटी स्वर्ग से पूरी करना जानता है। वो कैसे पूरा करता है वो उसका डिपार्टमेंट है, चाहे वो किसी को जरिया बनाए चाहे वो किस तरीके से करें, लेकिन वो जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से क्या करता है, वो काम करता है, वो काम करता है। प्रियो सच में जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे ना, बड़े से बड़े बंधन टूट जाते हैं। दाऊद क्या करता था जब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर उतरता था, वो मस्त मलंग होकर नाचता था। यहाँ पर भी प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि कुछ दो तीन लड़के यहाँ पर रहने के लिए आए हुए हैं, तो उन सबको क्या होता है जब आराधनाएं चलाई जाती हैं, जब प्रभु की महिमा जब हम लोग करते हैं तो पाखरू अलग ही तरीके से फ्लो में काम करता है। कोई इधर झूम रहा है, कोई उधर झूम रहा है, किसी के क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, वो एक अलग ही मंजर हो जाता है, वो एक अलग ही मतलब उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को कि उसकी उसमें रम जाएं, उसमें डूब जाएं, ना कि ऐसे कि आप कीर्तनों में जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और बड़े बड़े फैंसी कपड़े पहन के जा रहे हैं लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ रत्ती भर भी ना हो, बस गा रहे हैं बस ये दिखाने के लिए कि हमें आ रहा है, लेकिन क्या उसके शब्द और उसके मायनों को समझ रहे हैं क्या आपके जीवन में। पहले मैं लोगों को सुनती हूँ कि मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना, मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना, घर जाके चाहे आप उसको पूछे बिना झूठी आराधनाएं ना गाएं, सच्चाई से गाएं। परमेश्वर सच्चा है, वो सच्ची आराधना को पसंद करता है, वो आत्मा है, वो आत्मा से आराधना को चाहता है। अपनी आराधनाओं के पैटर्न को बदले प्रियो और अपने जीवन में अमेजिंग चेंज को देखिए, जो कल का वचन था कि स्तुति के द्वारा बड़े से बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। कौन सी स्तुति? जो आत्मा और सच्चाई से की जाती है, ऐसी स्तुतियों के द्वारा बड़े से बड़े
युद्धों को क्या किया जा सकता है, जीता जाता है, जैसे यहोशापात के लिए परमेश्वर ने की है। ऐसे ही बाइबल में एक जगह यरीहो के बारे में भी लिखा है कि यरीहो की दीवार के लिए जब परमेश्वर ने उसको बोला कि 7 दिन तो उसके चक्कर मार, 6 दिन और 7वें दिन जोर से जयजयकार करना, और जब उन्होंने जयजयकार करी तो यरीहो की दीवार पत्थर की नाई, वो कहते ना एकदम ढह गई उसको। तो हम अपनी आंखों से, मैं अपनी आंखों से लाइव देख कर आई हूँ यरीहो की दीवार को, वो टूटा हुआ बिखरा हुआ दिख, जो आज तक भी वैसे के वैसे ही पड़ी, वो नगर अभी तक बसाया नहीं गया, अपनी आंखों से देख कर आए। प्रियो, युद्ध जीत रहे हैं, आराधना अगर आप उसकी कर रहे हैं, बस एक ही बात कहूंगी, सच्चाई से करें, आत्मा से करें, ढोंगी ना बने, ढोंग ना करें, झूठ ना बोले, कहीं ऐसा ना हो आप तो अच्छा करने की कोशिश करें लेकिन हो जाए गलत। प्रियो, आप अच्छा कर रहे हैं, आप संगतियां कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप अपग्रेड करें आत्मा और सच्चाई से करें, तो देखिएगा खुदा आपके जीवनों में, आपके परिवारों में अमेजिंग काम करेगा। बंधनों को टूटते हुए आप लोग देखेंगे, बड़े से बड़े युद्ध आप अपने जीवन में जीतते हुए देखेंगे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और बस यही दुआ करती हूँ कि खुदा आप इन सबको सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाले आप इनको बना चुके हैं, ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपसे आराधना करें तो आपका आत्मा इनके ऊपर बलपूर्वक उतरे, मेरे पिता उनके जीवनों को बदलता चला जाए, ऐसे अनुग्रह को सुनने वाले के लिए मैं मांग लेती हूँ मेरे पिता। हालेलुया। मेरे पिता आपका वचन कहता है, विश्वास है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारी हो जाएगा। पिता मांगा और आपने ऐसा ही कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि सुनने वाले हर एक जन मेरे पिता उनके ऊपर आपका पाकरू बलपूर्वक उतर रहा है, और वो इन बातों को उनकी आत्मा तक पहुंचा रहे हैं, और जब उसके बाद जब वो आराधना गाते हैं कहीं पर भी कभी भी, तो मेरे पिता वो इस बात को ध्यान रखने वाले बन रहे हैं कि हमें सच गाना है, सच गाना है और आत्मा से गाना है, और आप ऐसा कर चुके हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन कहते हैं वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, विश्वास करते हो आपने ऐसे ही कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपकी आदर में सबते हुए छोटे प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, सब कुछ जय मसीह की।